दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ टमाटर का पौधा। जी हाँ, टमाटर के पेड़। तो आप इस वीडियो में देखो, मैंने अपने छोटे छोटे गमलों में कितने कितने प्यारे प्यारे पेड़ लगाए हुए हैं और मेरे पूरे के पूरे पेड़ फलों से भरे हुए हैं। देखो, फूल भी आ रहा है, रेड टमाटर हो रहे हैं पूरे, और ये देखो पक भी रहे हैं। सर्दी का मौसम है, फिर भी मेरे पेड़ पूरे पूरे पेड़ों से फलों से भरे हुए हैं। तो आप भी अगर ऐसे गमलों में, छोटे छोटे गमलों में पेड़ लगाना चाहते हो तो इस वीडियो तक को मेरी लास्ट तक देखो, और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या सावधानियां हैं और कैसे आपने जर्मिनेट करना है, और आपके पूरे पूरे गमले भर जाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और दूसरा ये कि अगर कोई मेरे चैनल से पहली दफ़ा जुड़ा है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपका इसको इसका प्रोसीजर पूरा समझाता हूँ कि पेड़ जर्मिनेट करने के लिए सबसे पहली सावधानी होती है कि आप मिट्टी का चुनाव कैसे करें। तो आप नॉर्मली मिट्टी में भी पेड़ ग्रो कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए जल्दी जर्मिनेट करने के लिए मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये कंपोस्ट खाद है जो मैंने अपने घर पे ही बनाई हुई है, और ये है मेरी कोकोपीट जो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको, कोको बनाना। तो ये 50% का कॉम्बिनेशन आपको लेना है, 50% कोकोपीट और 50% ये अपना कंपोस्ट खाद। तो इन दोनों को आपने कॉम्बिनेशन को, 50% के कॉम्बिनेशन को एक साथ मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। ये मिक्स करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम ये छोटे अपने सीड ट्रे में भी लगा सकते हैं या बड़े से गमले में भी लगा सकते हो। तो मैं ये छोटे छोटे गमलों का एक वो करूँगा। ये मेरे पास छोटे गमले हैं, ये सीड ट्रे का ही काम करते हैं। इसमें ये होता है कि एक तो ज़्यादा पानी देना नहीं पड़ेगा हमें, दूसरा कि इसमें जो नमी है वो परमानेंट बनी रहती है। तो इसमें और सबसे अच्छा है कि इसमें बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। जो ये कोकोपीट है ये पहले ही इतनी मॉइस्चराइज होता है, इसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैंने तीनों गमले तैयार कर लिए अपने। पहली सावधानी तो हमारी देखा मिट्टी है, तो मिट्टी हमने ये तैयार कर ली है अपने अपने सीड जर्मिनेट करने के लिए। दूसरी सावधानी होती है हमारे सीड का चुनाव कैसे करें। तो सीड दो प्रकार के होते हैं, या तो आप नॉर्मली टमाटर से भी ले सकते हो। टमाटर से लेने में एक थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि जो उसके पेड़ बीज होता है वो तो गीला होता है और उसमें फंगल लग जाती है। तो फंगल लगने के बाद वो कई बार जर्मिनेट नहीं होता। तो आप कहीं भी जाएँ या बीज भंडार की दुकान से भी ले लें। जैसे मैं ये अभी लेकर आया हूँ, ये मेरे पास सीड्स हैं, तो मैंने बीज भंडार की दुकान से ये ले लिया है। तो ये सबसे अच्छा होता है कि एक तो ये 99% जर्मिनेट होता है, दूसरा इसमें फंगस भी नहीं लगती और ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। सीड्स हम उसका भी ले सकते हैं टमाटर का, तो वो क्या होता है कई बार फंगी लग जाती है तो वो हमारे पेड़ अच्छे नहीं बन पाते। तो कोशिश करें आप या तो बाहर से ले लें या उससे भी करें। तो इसमें हर गमले में 2 से 3 बीज आप इसमें डालेंगे, जैसे मैं ये डाल रहा हूँ। और इसको कहीं भी जहाँ हल्की धूप आए वहाँ पर आपको रख देना है, ज़्यादा मिट्टी नहीं करनी है, और इस पर हल्का हल्का आपने पानी डाल देना है। देखिए, जब भी आपके पेड़ जनरेट हो जाएंगे छोटे गमले में या सीड ट्रे में, तो आपने उनको ट्रांसफ़र करना बड़े गमले में। तो आपका गमले का चुनाव जो होना चाहिए, कम से कम 10 से 12 इंची का गमला ले सकते हो। तो मैंने ये 10 इंची का गमला लिया हुआ है, तो आप भी 10 से 12 इंच का गमला ले सकते हैं। जितना बड़ा गमला होगा उतना ही पेड़ हमारा ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें 50% का कॉम्बिनेशन इसमें भी ऐसे ही रखना है जैसे ग्राउंड मिट्टी जो होती है नॉर्मल सॉयल, और इसमें लेना है आपको 50% कंपोस्ट खाद। जी हाँ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपने इसमें पेड़ को ग्रो कर लेना, जैसे मैंने किया हुआ है। तो ये मेरे पहले ग्रो किए हुए पेड़ थे, तो मैंने ये 10 इंची के गमले में लगाए हैं। लगाने के बाद इसमें जो सावधानियाँ होती हैं, उसमें क्या करना होता है कि आपको हल्की हल्की इनकी गुड़ाई करनी होती है। 2 या 3 हफ्ते पे इनकी हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे, और इनमें कंपोस्ट खाद जो मैंने अभी देखो आपके सामने डाली हुई है। तो गुड़ाई का बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपका पेड़ बहुत जल्दी ग्रो करेगा और बहुत हेल्थी पेड़ होगा, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो ऊपर से एक परत बन जाती है जो पानी में, इसमें क्लियर हमारा पानी अच्छे पेड़ सोखेगा भी नहीं और ऑक्सीजन भी नहीं मिलती पेड़ को। तो हमें गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, हल्की हल्की इनकी गुड़ाई करते रहेंगे। गुड़ाई करने के बाद कंपोस्ट खाद डालेंगे। और चौथा जो इसका वो मेन चीज़ है, सावधानी जो हमारी होती है वो इसमें हम लगाते हैं अपने घर का बना हुआ कीटनाशक। जो कीटनाशक का क्या है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट या कीड़ा जो इसमें कुछ लगता है जो इसकी ग्रो को और फल को नहीं आने देता, तो मैंने अपने घर का ही ये कीटनाशक बनाया हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे बनाया। तो इसमें बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो हमने इसमें हल्का हल्का स्प्रे अपने पेड़ों पर कर लेना है। तो इसको हम 4 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 6 हफ्ते बाद हल्का हल्का करेंगे, ज़्यादा नहीं करना होता। ये करने के बाद हमारे पेड़ ना तो कोई भी कीड़ा लगेगा उसमें, ना ही कोई फंगल लगेगा, ना कोई चेपा एक बीमारी होती है जो पेड़ को ग्रो करने ही नहीं देती है। फिर आपके 10 से 12 हफ्ते के पेड़ ये हो जाएंगे। 10 से 12 हफ्ते के बाद देखो मेरे ये फूल बन रहा है, हर पेड़ पे फूल है और फ्रूट्स है, ये पक रहे हैं टमाटर। तो आपने इसमें भी एक करना है, लास्ट में हल्की हल्की गुड़ाई करें और ज़्यादा पानी ना दें पेड़ को। पानी देने से क्या होगा, पेड़ की ग्रो तो रुकेगी रुकेगी, फ्रूट्स भी में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो पानी अपने देखना है कि बस उसकी मिट्टी ज़्यादा सूखी ना हो,
और एक बार जब इस पर फ्रूट से या फलों से, ये क्या नाम है, जो ये अपना ये इसका जो फूल है, जब ये भरने लगे, एक बार जब भी कंपोस्ट खाद इसमें लगाएंगे, तो ये छोटी छोटी सावधानियां बरत के आप अपने घर में। पांचवी सावधानी ये होती है कि जब आपका पेड़ फल पे ग्रो करने लगे, तो इसके लिए मेन चीज़ होता है हमें सपोर्ट, क्योंकि पेड़ बहुत हल्का होता है, ये एक साइड को झुकने लगता है या गिर जाएगा पेड़, तो हमने बांस की एक खप्पच लेनी है पतली पतली और इनको बांध देना है। बांधने से क्या होगा कि एक तो हमारा पेड़ स्टेबल रहेगा, दूसरा ये हमारे फ्रूट्स जो इतने हो जाएंगे इसके वेट को ये संभाल सकेगा। तो आप भी अपने घर पर ऐसे भरे हुए पेड़ फलों से जो मेरे भर रहे हैं आप बना सकते हैं। बस ये थोड़े छोटे टिप्स अपनाओ और जितना भी हो सके अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जी खाओ।